नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कंठ पर में। और आज की हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है पिटीशन को, और ये पिटीशन आई थी कास्ट वेस्ट सेंसिस होना चाहिए कहाँ पे, बिहार पे। बिहार के किसी व्यक्ति ने कहा था कि हमको कास्ट बेस्ड सेंसिस करवाना है ताकि हमारे पास कास्ट बेस जो डेटा है वो इजीली आ जाए और हमको पॉलिसी मेकिंग में आसानी हो और हम उनको उनका बेनिफिट आसानी से दे सकें। ठीक है, ये तो न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लाइन कर दिया है कि आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि एक वायलेशन होगा किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का, हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, आप इसका वायलेशन होगा और जिससे क्या होगा, हमारे समाज में हारमोनी भी बिगड़ सकती है, हमारे समाज का फैब्रिक भी बिगड़ सकता है। कुल मिला के कहें तो वोट बैंक की राजनीति भी हो सकती है, ये सारे काम है हमारे समाज में हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लाइन कर दिया है कि आप कास्ट बेस्ड सेंसिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले 1872 में ब्रिटिश काल में पॉपुलेशन को ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, अदर कास्ट में, अदर प्रोफेशन बेस्ड कास्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। 1901 में 1642 कास्ट, 1931 में 4147 कास्ट हमको देखने को मिलती हैं, और 2011 में 46 लाख कास्ट नेम, सब कास्ट, सरनेम, गोत्र आदि चीजें हमारे पास आई। बाद में 1953 में काका का लेकर कमीशन बना और उन्होंने 2399 बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया, उसमें 837 मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कास्ट थी। और 1961 में इन्होंने कहा कि आप हमको कास्ट वेज सेंसस कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने इनकी रिपोर्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर आपको पता ही है मंडल कमीशन आया 1979 में। ओबीसी 52 पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, उन्होंने कहा कि आप इनको 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में उपलब्ध करा दीजिए। 2017 में रोहिणी कमीशन आया, 27 रिजर्वेशन ओबीसी में कहा, इन्होंने कहा कि आप इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 90% जॉब, एजुकेशन सीट केवल 25% सब कास्ट जो कि ओबीसी की हैं उन्हीं को मिलती हैं, बाकी 75% जो सब कास्ट हैं वो आरक्षण की प्रक्रिया से वंचित हैं, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आप इनको क्या कर दो, सब कैटेगराइज कर दो। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, कास्ट वेस्ट सेंसस चाहिए। तो हमको ऐसा बिहार की सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाके कि आप इसको हमें अनुमति दे दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको देने से मना कर दिया। इससे पहले सरकार ने, एक और न्यूज पढ़ लेते हैं, इससे पहले सरकार ने क्या किया, कास्ट सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस 2011 में फॉर रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के लिए इंप्लीमेंट किया। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स निकल के आए, इसमें कास्ट वेज सेंसिस हुआ जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन कास्ट से जो संबंधित रिलेटेड जो डेटा था उसको जारी नहीं किया गया, केवल कुछ डेटा जारी किया जिसमें कहा गया कि हमको जो रूरल जो प्लस अर्बन है वो हमारे पास टोटल जो हाउस होल्ड है 24.39 करोड़ है और टोटल रूरल जो हाउस होल्ड है हमारे पास 17.91 करोड़ है। ऐसे हाउस होल्ड जिनके पास केवल वन रूम है, कच्चा वॉल है, कच्चा रूफ है, वो हमारे देश में कितने हैं, 2.37 है। नो अडल्ट मेंबर जिसमें कोई 18 से 59 का कोई हाउस होल्ड में अडल्ट मेंबर नहीं है, ऐसे हाउस होल्ड हमारे में 65 लाख हैं। और SC ST हाउस होल्ड हमारे पास 3.86 लाख सॉरी करोड़ है। तो इस प्रकार का डेटा इन्होंने जारी किया, लेकिन कास्ट से संबंधित जो डेटा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको जारी नहीं किया गया, जिसके कारण अब आपने न्यूज में देखा होगा कि का जाति आधारित जो जनगणना है उसको कराने का आंदोलन भी चल रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि आप जाति आधारित जनगणना कराओ, और जाति आधारित जनगणना होगी तो इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा, ओबीसी का हम क्या कर पाएंगे, सब कैटेगराइजेशन कर पाएंगे। और जैसा कि रोहिणी कमीशन से कहा था कि उनको आरक्षण और जॉब में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, अगर हम उनका सब कैटेगराइजेशन कर देंगे तो उन्हें उनकी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर वो उनको लाभ मिल जाएगा। और हमारे देश में 8 डिकेट से पुराना क्या है, ओल्ड डेटा है, तो हमें नई डेटा की भी आवश्यकता है। अगर हम हमारे पास नए डेटा होगा, 80 साल से पुराना डेटा का यूज करके वर्तमान में हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, अगर हमारे पास नए डेटा हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाएगी और सभी कास्ट का इक्विटेबल क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन कुछ निगेटिव भी होंगे। हो सकता है कि कुछ कास्टों को वर्तमान में कम रिजर्वेशन मिल रहा हो, लेकिन उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज के रूप में ज़्यादा हो, तो वो मांग करेंगे कि हमारे पास सोशल फैब्रिक बिगड़ सकता है, मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे, वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, कुछ लोग उनका सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि सामाजिक तानाबाना, सोशल फैब्रिक हमारे देश में बिगड़ सकता है, आंदोलन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे हो सकती हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस से हो सकती हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी बाद में 50% रिजर्वेशन की जो सीमा लगाई है वो ब्रेक हो जाए। हो सकता है कोई कास्ट हमारे हमारे देश में उसका अधिक परसेंटेज हो, वो कहे हमको 50% रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वर्तमान में उसको 15% मिल रहा हो या फिर 27 मिल रहा हो, वो कहेंगे हमको ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, समाज में ज़्यादा है। और एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट जो नॉर्म है उसमें हमको इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक, सोशल, ठीक है, आर्थिक, इकोनॉमिक चीज़ें भी बिगड़ सकती हैं। तो इस बार और उसके कुछ पॉजिटिव भी निकलेंगे, उसके कुछ नेगेटिव भी निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपने इसका बेसिक पढ़ा। अब इस बात को समझो कि इसको सबसे पहले हमारे देश में जो डाटा है, 1931 में सेंसिस किया गया, उसी का डेटा हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस के बाद ओनली डेटा रिलेटेड हमारे पास SC ST पॉपुलेशन का हमारे पास है। और कास्ट सेंसिस को कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करता है। 2011 में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस को अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन इसके कास्ट से संबंधित डेटा को रिलेट नहीं किया गया, केवल वो ही डेटा को रिलेट किया गया जो हमको आवश्यकता थी। और इसी सेंसस के आधार पर वर्तमान में सरकार की जितनी भी ऑलमोस्ट जो योजनाएं चल रही हैं, इसी सेंसस के आधार पर उनको लाभ मिलता है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। अब आप देखें, अब नया टॉपिक ये है, इंटरेस्टिंग है, मिसलीडिंग एड। आपने कई ऐसे एड देखे होंगे जो आपको मिसलीड करते हैं, दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं। जैसे आप बर्गर किंग पे जाएंगे बर्गर खाने, तो आपको एड में ऐसा दिखेगा लेकिन एक्चुअल आपके पास ऐसा आएगा। चाहे मैकडोनल्ड में चले जाओ, चाहे बेंडीज में चले जाओ, चाहे टैको बेल में चले जाओ, तो ऐसा दिखेगा लेकिन ऐसा आएगा। इसके अलावा ये तो छोड़ो, ये आपको डाबर च्यवनप्रकाश का ऐसा ऐड मिलेगा कि आप 2 चम्मच खाओगे आपको कोविड नहीं होगा, और फेयर हैंडसम की बात ही निराली है, ये आपको गोरा कर देंगे, जबकि खुद यूज नहीं करते थे इस क्रीम को। जबकि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी हमको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसी चीज़ों का यूज करेंगे जो वो खुद कभी यूज नहीं किया है, केवल पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, और आपने फेयर लवली के बारे में तो सुना ही होगा कि आपको तुरंत लगाओ, 7 दिन के अंदर आपको गोरा हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको मिसलीड कर रही हैं। हम लोग 7 दिन क्या, हम इसको 2 साल 3 साल लगाते हैं तब भी गोरे नहीं होते हैं। एक ऐड ऐसा आता है कि आप गंजे हैं, आप इस बार ऑयल का यूज करेंगे, आपके ऊपर बाल आ जाएंगे घने, ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, ऐड आपको मिसलीड करती हैं, हमारे कंज्यूमर के राइट को क्या करती हैं, वायलेट करती हैं, और हमारा जो बेसिक राइट है उसको वायलेट करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ये मिसलीड ऐड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये तो हमारे कंज्यूमर के अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे कंज्यूमर के राइट का क्या हो रहा है, वायलेशंस हो रहा है। हमको पिज्जा दिखाते कुछ है, मिलता कुछ और है, हमको बड़ा पिज्जा दिखाएंगे लेकिन हो सकता है वो छोटा मिले, उसका ब्रेड ही कुछ अलग हो। तो अकॉर्डिंग टू जो दिखाया जाए वही हमको मिले, इसलिए सरकार ने कहा कि हम कुछ गाइडलाइन को इश्यू करते हैं, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो प्रमोशन करते हैं हम उनको रेगुलेट कर सकें, अक्षय कुमार हों,
शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, या फिर अन्य प्रकार के लोग हों जो ऐड करते हैं, चाहे वो फेयर लवली का ऐड हो, चाहे फिर हैंडसम का ऐड हो, बर्गर का ऐड हो, पिज्जा का ऐड हो, थम्सअप का ऐड हो, थम्सअप का ऐड करते हैं तूफान आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। ठीक है, सरकार ने क्या किया है, कुछ गाइडलाइन को अमेंड किया है, कहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 2019 के तहत हम प्रिवेंट करते हैं अगर आपको कोई मिसलीड करता है एड में, एडवर्टाइजमेंट में, इंडोर्समेंट में, फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022 उन्होंने किया है, इन जो रूल्स हैं उनमें अमेंड किया है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, ये फ्रेमवर्क क्या करेगा, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपके साथ कोई अनफेयर होता है, आपके आप अगर किसी एड के द्वारा मिसलीड होते हैं, आपकी कोई ट्रेड प्रैक्टिस के द्वारा आप मिसलीड होते हैं, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर में जा सकते हैं और आप कहेंगे माई लॉर्ड ये हमको इन्होंने मिसलीड किया है, इनने 2 रुपए का शैम्पू बेचा, उनने कहा बाल आ जाएंगे लेकिन बाल तो उसे झड़ गए, तो ये ऐड क्या हो गया, मिसलीड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली और इन गाइडलाइन में ये कहा गया कि अगर कोई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर, अगर मटेरियल अगर उसको डिस्क्लोज करना होगा, आप जिस चीज का ऐड कर रहे हैं, मान लो सलमान खान, मान लो ये अक्षय कुमार, डावर चौन प्रकाश का ऐड कर रहे हैं, तो इन्हें ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप जिस मान लो डावर चौन प्रकाश का ऐड कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप इसका यूज करते हैं, आपका इससे क्या कनेक्शन है, आप ट्रिप पे गए हो तब आपका कनेक्शन हो, तब आपने कभी खाया हो, आप होटल में कहीं रुक स्टे किया हो तब आपने कभी खाया हो, तो आपका इसके साथ मटेरियल कनेक्शन क्या है, आप जिस चीज का एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या कभी शाहरुख खान ने फेयर एंड हैंडसम लगाई है, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, और आप डिस्क्लोजर जो करना पड़ेगा, आपको क्लियरली डिस्प्ले करना पड़ेगा, उसमें आपको छुपाना नहीं पड़ेगा। दूसरी आवाज जो आप इंडोर्समेंट करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी स्टार लगा देते, बोलते 2 के साथ 4 फ्री ले जाओ, लेकिन नीचे आप देखेंगे स्टार लग जाएगा, तो आप दुकानदार के पास जाओगे, बोलेंगे कि ये तो नहीं है, स्टार लगेगा ये तो, वैसे कुछ आपको अदर कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी, टर्म और कंडीशन, तब आपको 2 के साथ 4 फ्री मिलेगा। तो आपको जो इंडोर्समेंट करते हैं वो सिंपल होगा, क्लियर होगा, सिंपल क्लियर लैंग्वेज में होगा, टर्म कंडीशन बिल्कुल सिंपल होंगी, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर कौन कर रहा है, पेड प्रमोशन, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको 2 साल तक की जेल और 50 लाख तक की आपके पास पेनल्टी आ सकती है। तो जो ये जो रूल जो नोटिफाई किए गए हैं काफी महत्वपूर्ण है, कंज्यूमर के राइट को क्या करते हैं, परमेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और जो मिसलीड जो एड के द्वारा हम मिसलीड होते हैं, हम इन्फ्लुएंस पे आके बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग उनसे मुआवजा मांग सकते हैं। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गई आपकी। ठीक, अब इसके साथ साथ कुछ इथिकल इश्यू भी आते हैं। इथिकल इश्यू कैसे कैसे आते हैं, पोस्टिंग विदाउट मेंशनिंग कि एडवर्टाइजमेंट है या नहीं है, तो क्या डेसिपेटिव मार्केटिंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, इन ऑन इन जो भी मतलब कि इन ऑथेंटिक जो पार्टनरशिप रहता है, कंटेंट जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल में क्या इनका यूज है, वो फॉल्स क्लेम करते हैं, यूज ऑफ प्रोडक्ट का करते हैं या नहीं करते हैं, तो कुल कहा जाए कि आपको कथनी को एक शब्द में कहें तो कहेंगे कि कथनी और करनी में अंतर रहता है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं खाते कुछ हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड होते हैं इन लोगों के लाइफस्टाइल के, अनअटेंडेबल रहते हैं, ये यूज नहीं करते हैं, कंज्यूमर के राइट टू चूज का वायलेशन होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन रहता है, राइट टू सेफ गार्ड का वायलेशन रहता है, अगर ये प्रोडक्ट कहीं इनको हार्मफुल पहुंचा दें तो इनकी सर्विसेज का सारी चीजों का वायलेशन हमको देखने को मिलता है। तो कुछ इथिकल इशू भी हमारे सामने आते हैं, तो आप इसको कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जरूरत क्या है कि सोशल मीडिया का प्रमोशन अधिक से अधिक बढ़ रहा है, लोगों के पास अधिक से अधिक मोबाइल फोन है, और
एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने 30% एड को क्या किया है, वो रूल्स का क्या कर रहे हैं, वायलेशंस कर रहे हैं, और 2800 करोड़ की हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो मार्केट है 2025 तक हो जाएगी। तो ऐसा इसलिए इन संभावनाओं को देखती है हमें मार्केट को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अभी क्या हुआ है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें जो इन्फ्लेशन रेट है वन पॉइंट बढ़ गई है। तो जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको कॉमनली हम क्या मान लेते हैं, सीपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीपीआई बोलते हैं। और ये रिटेल इन्फ्लेशन को क्या करता है, मेजर करता है कि हमारे देश में रिटेल जो इन्फ्लेशन है कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है। इसमें गुड्स और सर्विस को दोनों को इंक्लूड किया जाता है जो कि कंज्यूमर के द्वारा यूज होते हैं, और ये केवल मार्केट बास्केट पे यूज होते हैं, जिसमें फिक्स लिस्ट होती है आइटम की, फूड्स, हाउसिंग, अप्रैल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल केयर, एजुकेशन। और इसमें 4 CPI नंबर्स रहते हैं, जिसमें इंक्लूड रहता है CPI 4 इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI 4 एग्रीकल्चर लेबर, CPI 4 रूरल लेबर और CPI 4 अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। तो आपको याद रखना है कौन कौन से रहते हैं और इनको किन के द्वारा जारी किया जाता है। तो CPI UNME को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, जबकि इसको छोड़कर बाकी तीनों को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरी बात, इनकी जो कैलकुलेशंस होती है बेस ईयर के आधार पे होती है, मतलब पिछले वाले को 100 मान लेते हैं, और जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर की जो बेस ईयर है 1982 है, CPI AL की जो बेस ईयर है 1986 से 87 है, और CPI रूरल की जो बेस ईयर है 1984 से 85 है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और उसकी कितनी है 2011-12, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यूजेस इसके इनके कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इन्फ्लेशन लेवल को चेक करने के लिए हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को चेक करने के लिए हो सकता है, परचेसिंग पावर को चेक करने के लिए होता है कि कंट्री की परचेसिंग पावर कितनी है, रियल वैल्यू वेजेस वेजेस की जो जितनी भी सैलरी पेंशन की रियल वैल्यू क्या है उसको लिए हो सकता है, प्राइस रेगुलेशंस के लिए हो सकता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कैपेसिटी के लिए इनका यूजेस हो सकता है, ठीक है। तो आप कुछ बेसिक बातें हैं, इनको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरी बात, यस बैंक एडिशनल Tier 1 बॉन्ड चर्चा में है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि यस बैंक में क्या हुआ था, इन्वेस्टर ने 8,300 करोड़ के AT1 बॉन्ड को बाय किया इन्वेस्टर के द्वारा, जो कि यस बैंक से संबंधित है। कोर्ट ने 2020 में RBI को अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यस बैंक के रूप में अपॉइंट किया, क्योंकि यस बैंक क्राइसिस के रूप में हमको देखने को मिल रहा था, ठीक है। और कहा गया कि आप 81 बॉन्ड को, RBI ने कहा कि आप 81 जितने भी बॉन्ड हैं उनको आप राइट ऑफ कर दो, मतलब कि बैलेंस शीट से हटा दो, ताकि जो यस बैंक की जो बैलेंस शीट है वो क्लीन दिखने लगे और उनकी फंक्शनिंग इजीली रूप से आपको अच्छे से हम कर पाए, हमारी उनकी बैंकिंग सिस्टम इजीली से वर्क करने लगे, ठीक है, इस बात को ये चर्चा में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या डिसीजन, हाई अभी हुआ डिसीजन, तो इनको राइट ऑफ करने से मना कर दिया है यस बैंक, तो कभी राइट ऑफ करने से मना कर दिया है कि आप इनका राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है, लेकिन बैंक के लिए और RBI के लिए गलत बात है, मतलब कि बैड न्यूज है। लेकिन हमारे लिए अच्छी न्यूज क्या है कि हमको 81 बॉन्ड पढ़ना है। तो 81 बॉन्ड क्या है, परपेचुअल बॉन्ड है और इसकी मेच्योरिटी 100 ईयर के आसपास रहती है, और ये रिलेटिवली हायर रेट को ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझो कि 81 बॉन्ड का मतलब क्या रहता है। मान लो किसी बैंक के पास जो कैपिटल है, मतलब कि बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग जो भारत को, भारतीय बैंक को, बेसल बैंक, बेसल क्या है एक्चुअली, इंटरनेशनल पूरा बैंकिंग का एक कंसोर्टियम है, और बैंकिंग को रेगुलेट करते हैं ताकि बैंकिंग सिस्टम हमारा फैल ना हो, और RBI क्या करता है, बेसल नॉर्म को फॉलो करता है। तो RBI के अनुसार या फिर बेसल नॉर्म के अनुसार दोनों में कोऑर्डिनेशन, लेकिन RBI ने ज्यादा रखा है, बेसल नॉर्म के अनुसार कम है। तो कुछ कैपिटल्स हमको वेटेड रिस्क के रूप में रखनी पड़ती है। मान लो टोटल कैपिटल 100 है, तो हमको 11.5% एक रिस्क के रूप में रखना पड़ता है, अगर कोई हमारे पास डैमेज होता है, कोई अगर
डिजास्टर आता है तो इस कैपिटल के द्वारा बैंक क्या कर सके, अपना अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं इस कैपिटल का यूज करके संचालित कर सके। तो किसी भी बैंक में दो तरह की कैपिटल हमको देखने को मिलती है, टायर वन और टायर टू। तो टायर वन में क्या होता है, जो स्वामित्व मतलब कि ऑनर की जो कैपिटल होती है वो आती है। टायर टू में जो किसी बोरो करते हैं शेयर वगैरह, उनकी कैपिटल हमको देखने को मिलती है। टायर वन में दो तरह के रहते हैं, कॉमन इक्विटी टायर वन और एडिशनल टायर वन। तो जो एडिशनल टायर वन होता है इस पे जारी होते हैं कौन, AT1 बॉन्ड। ठीक है, मान लो इनको रखना है 9% यहां पता, 5.5% यहां पे है, तो यहां पे कितना बचा, 3.5%। ठीक है, 3.5% बचा। तो मान लो किसी बैंक को 3.5% एडिशनल टायर वन अब कैपिटल रखना है और बॉन्ड जारी कर दिए। अब मान लो बैंक में कुछ इश्यूस आ गए, इश्यू के कारण ये वाली जो कैपिटल है वो कम हो गई, स्टॉप मतलब कम हो गई, गिरने लगी, तो बैंक क्या कर सकता है, उनके इंटरेस्ट को पे नहीं कर सकता, उसको स्टॉप। जो वर्तमान में किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पे AT1 बॉन्ड जारी किए, उनके जो इंटरेस्ट दे रहा था वो बंद कर सकता है, क्योंकि बैंक की हालत खराब है। वो एडिशनल टायर वन कैपिटल को अपने पास नहीं रख पा रहा है, उसकी हालत खराब। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने बंद कर दिया, तो इसको बंद कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर को क्या होता है, लॉस होता है। ये न्यूज थी, हमने बेसिक पढ़ा। अब इन्हें राइट ऑफ करने से मना कर दिया है, क्योंकि RBI चाह रहा था कि राइट ऑफ हो जाए। तो AT1 बॉन्ड क्या होते हैं, क्वासी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें रिस्क हायर रहता है, और बेसल अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, बेसल 3 नॉर्म के अकॉर्डिंग इनको इशू किया जाता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि 11.5% भारतीय बैंक को रिस्क बेटेस एसेट रखना पड़ता है, जिसमें से 9.5% टायर वन से और 2% टायर टू से हमको रखना पड़ता है। सारी बेसिक बातें हमने पढ़ ली, क्यों चर्चा में था। AT1 बॉन्ड क्या है, परपेचुअल बॉन्ड है, इनकी मैच्योरिटी 100 ईयर के आसपास रहती है, और इसमें आपको अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट हाई रहता है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको पढ़ना है, और इस एक क्लासिफिकेशन से आपको कैपिटल का पढ़ना है। दूसरी बात, फ्लाई एस यूटिलाइजेशन संबंधित मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने रूल को नोटिफाई किया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लाई एस क्या है। तो फ्लाई एस क्या है, मान लो थर्मल पावर प्लांट है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है किसी कंट्री में, भारत में प्लांट है, उसका क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है, स्ट्रक्चर क्वालिटी जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, हैवी मेटल्स रहते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, रेडियोएक्टिव सॉलिड रहते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको हजार्ड के रूप में नहीं माना गया है। तो ये जितने भी रूल्स जारी किए गए हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 के तहत जारी किए गए हैं, और कहा गया है कि आप फ्लाई ऐश को स्टोर कर सकते हैं, कि अगर आपने कोई सोलर और वाइंड पावर प्लांट को लगाया है, वहां पे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो वहां पे इनका यूज कर सकते हैं। डन अवे प्राइस कैप ऑन फ्लाई एस ब्रिक्स के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, और सारा एप्लीकेबल आपको 1 अप्रैल 2022 से आपको करना पड़ेगा। इस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, प्रश्न सिंपल इतना था कि फ्लाई एस के बारे में ये था प्रश्न कि फ्लाई एस का कंपोजिशन क्या रहता है, इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो फ्लाई एस का कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ऑक्साइड ऑफ सिल्का रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, कैल्शियम, आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लैड, ETC रहता है। तो आपको इसी प्रकार के ऑप्शन हमको दिए गए थे यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो इनको आपको याद रखना है। यूज कहाँ कर सकते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट में कर सकते हैं, ब्रिक्स बनाने में कर सकते हैं, घर निर्माण में कर सकते हैं, सड़क निर्माण में कर सकते हैं, टाइल्स निर्माण में कर सकते हैं, और बेस्ट जो गैसेस रहती हैं उनका प्यूरिफिकेशन में कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जो लैंड रहती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें फ्लाई एस के बारे में हमने पढ़ी, और मेजर पार्ट रहता है किसका, जो थर्मल पावर प्लांट रहते हैं कोल बेस्ड, उनके बाय प्रोडक्ट रहता है, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर के द्वारा रिलीज किया जाता है, बल्कि बाय प्रोडक्ट के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये सारी बातें पढ़ ली। दूसरी बात, अक्षय बिग कैंपेन चर्चा में है, इसको
ABCD कैंपेन भी बोलते हैं, जो कि केरला का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, कंट्री का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसमें ट्राइबल कमेटी को डॉक्यूमेंट का पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिससे डिजी लॉकर से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उनको मिल जाएंगी, और डिजी लॉकर में उनके सारे डॉक्यूमेंट सेफ स्टोर कर दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी न्यूज है, इसको आप कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल में। तो एक जो जो भी हमारा जो डिजिटल भारत अभियान है उसको सशक्त करने वाली न्यूज है, इस एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा अक्षय विक कैंपेन या फिर ABCD कैंपेन किससे संबंधित, तो आप बता देंगे केरल से संबंधित है। दूसरा, हैदरपुर वेटलैंड चर्चा में है, ड्रेन आउट हो गया है, तो उत्तर प्रदेश का इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हैदरपुर जो वेटलैंड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम चालू किया है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये क्या है, ह्यूमन मेड वेटलैंड है, 1984 में बनाया गया था फ्लड प्लेन ऑफ गंगा में। ठीक है, और इसकी बाउंड्री हस्तनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगती है। इसमें हमको स्पीसीज मिल जाएंगी, इनडेंजर क्रिटिकल इनडेंजर घड़ियाल मिल जाएगा, हॉग डियर मिल जाएगा, ब्लैक किल्ड टर्न मिल जाएगा, इंडियन स्कीमर मिल जाएगा, गोल्डन महासीर मिल जाएगी जो कि मछली की प्रजाति है। रामसर कन्वेंशन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, 1971 में आया, और ये ईरान का एक शहर है रामसर, उससे संबंधित है, और ये वेटलैंड को कंजर्व करने की दिशा में काम करते हैं, और वर्तमान में 75 साइट हमको भारत में देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत के क्या है, सिग्नेटरी है इस साइट का। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। जॉन बील मेला चर्चा में है, आसाम से संबंधित है, और जो माघ बिहू के अवसर पे इसको आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, 3 डे एनुअल इवेंट रहता है, इसको तिब्बत ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, इसको कभी कभी गोवा भी बोल देते हैं। और क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल आसाम का है जिसको हम माघ बिहू बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ट्राइबल कम्युनिटी टीबा कार्वी खासी जांतिया के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट भी किया जाता है, तो आप केवल इतना ध्यान रखेंगे किस अवसर पर मनाया जाता है माघ बिहू, और जॉन बील मेला किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे आसाम से संबंधित है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी